दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मदार, आप देख रहे हैं टेक्निकल मदार। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे जब हमारे पास एक बैटरी होती है और 12 वोल्ट की, और उस पर जो इन्वर्टर लगा होता है वो भी फ्रेंड्स 12 वोल्ट का होता है, और हमारे पास अगर कोई बैटरी, अगर हमें डबल बैटरी करनी है तो उसके साथ साथ हमें 24 वोल्ट का इन्वर्टर भी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है हम डबल बैटरी लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप 12 वोल्ट के इन्वर्टर पर, एक बैटरी वाले इन्वर्टर पर कैसे हम डबल बैटरी लगा सकते हैं, वो भी कितने भी एम्पेयर की लगा सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 24 वोल्ट के इन्वर्टर पे एक छोटी बैटरी 200 एम्पेयर की और एक कार वाली या ट्रैक्टर वाली बैटरी लगाओगे तो आपकी बैटरी का सेटअप नहीं चलेगा। बट इस फॉर्मूले से आपकी अगर बैटरी छोटी भी हो जाती है, बैटरी बड़ी भी हो जाती है, तब भी आपका सेटअप पूरा चलेगा अच्छे से। फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए और बहुत ज्यादा इस वीडियो में नॉलेज मिलने वाला है आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस लेके आता रहता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, कौन सी बैटरी लेना चाहिए, कार के लिए कौन सी बैटरी लेना चाहिए और हमें ट्रैक्टर के लिए कौन सी बैटरी लेना चाहिए। ये सब नॉलेज बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आजकल के दुकानदार वो दुकानदार नहीं है कि जो आपका भला चाहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखिए, एंजॉय करिए और वीडियो के साथ साथ थोड़ा सा नॉलेज भी लीजिए। तो ये जो मेरे पास इन्वर्टर है, ये 12 वोल्ट का EV700 इन्वर्टर है माइक्रोटेक कंपनी का। तो इस पे हमने 225 एएच की और उसके साथ साथ हमने एक ट्रैक्टर की बैटरी 90 एएच की या 100 एएच की, जो भी है बैटरी हम लगाते हैं और फिर आपको फिटिंग करके और फिर ऑन ऑफ करके दिखाएंगे इन्वर्टर को कि कैसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, कैसे है, मतलब सेम सिस्टम, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि आपके घर अगर 12 वोल्ट की एक इन्वर्टर वाली बैटरी है और आपके घर एक ट्रैक्टर वाली बैटरी भी पड़ी हुई है तो आप उसे बहुत आसानी से जोड़ सकते हो, बिना 24 वोल्ट इन्वर्टर के आसानी से अपना घर का बैकअप बढ़ा सकते हो इन्वर्टर से, बहुत ही आसानी से। इस फार्मूले से आपको केवल और केवल मात्र 50 रुपए का खर्चा होगा फ्रेंड्स, और आपका पूरा सेटअप बन के बढ़िया 24 वोल्ट वाला सिस्टम बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको दो तार, लगभग आप ऐसी मानिए कि आपको आधा आधा मीटर के ब्लैक और रेड 4 mm के तार लेना है, जो कि आपको 100 रुपए में या 80 रुपए में मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको दो बोल्ट लेना है 12-13 के, या आप चिमटी भी ले सकते हो, जो चिमटी टाइट वाली आती है वो भी लेके आप लगा सकते हो। तो पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा कि कैसे, क्या क्या हमें चाहिए होता है और कैसे लगाते हैं, और मेरे पास में ही सिस्टम है, मैं भी आपको चलाऊंगा, बैकअप लोड वगैरह डाल के भी चलाऊंगा, दिखाऊंगा। तो गाइस, इंस्टाग्राम की आप जो ये आईडी देख रहे हो, इस पे आप मुझे फॉलो करके आप मुझे कॉल भी कर सकते हो किसी प्रकार की और कोई नॉलेज लेने के लिए। आप बैटरी देख रहे हो, मेरी सब बैटरी की शॉप है, तो मैं आपको A to Z नॉलेज दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप मान लेते हैं, एक ये इन्वर्टर और ये बैटरी ट्यूबलर में आपकी घर पर लगी है और इस पे आप एक ये वाली बैटरी जोड़ना चाहते हो, तो ये सब कैसे कर सकते हो। जैसे ये माइक्रोटेक EV700 है, माना आपके घर पर लगा है या और किसी के भी घर पर लगा है, तो ये इस टाइम इन्वर्टर पर लगी है। 225 एएच की बैटरी लगी है, 180 एएच की ये बैटरी है, 225 एएच की होती है इस जगह, या 220 एएच की होती है, या जितने भी एएच की होती है, 150 एएच की होती, तो उस पर ये इन्वर्टर बैटरी का पूरा सेटअप आपके घर पर लगा है। तो इसमें आपके इन्वर्टर के तार जो हैं वो बैटरी में लगे हुए हैं, ये प्लस का निशान है और ये वाला माइनस का निशान है। तो दोस्तों, आपके पास ये बैटरी जो है वो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है, अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो भी ये ख़राब होगी, यूज़ करेंगे तो भी ये ख़राब होगी, बट अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो जल्दी ख़राब होगी और अगर हम यूज़ करेंगे तो थोड़ा और चल जाएगी। तो क्यों ना हम इस बैटरी का फ़ायदा लें और हम बैटरी को इस इन्वर्टर के साथ ज्वाइन कर लें, वो भी बिना 24 वोल्ट के इन्वर्टर के साथ। अगर आप 24 वोल्ट का इन्वर्टर लेते हो और ये बैटरी है और ये बैटरी है, तो आपका ये सेटअप नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक बैटरी आपकी बड़ी है, एक बैटरी छोटी है। जब ये डाउन होगी तो ये थोड़ी सी चार्ज होगी, जब ये चार्ज होगी, ये वाली बैटरी चार्ज होगी, तो ये डाउन हो जाएगी, ऐसे सेटअप नहीं चल पाएगा 24 वोल्ट के इन्वर्टर पर। बट 12 वोल्ट के इन्वर्टर पर आप आसानी से चला सकते हो, बहुत ही आसानी से। तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें 4 mm का या हमारे घर पर बचा हुआ तार मोटा जो हो वो पड़ा हुआ हो, तो हमें दो चिमटी मोटी वाली ले लेना है, या तो बोल्ट ले लेना है, और एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है वो हमें एक और इसी में का इसी प्रकार से एक और लेना है। मैंने आपको बताया कि आप रेड और ब्लैक ले लेना, मेरे पास दोनों ब्लैक हैं, मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ। तो हमने ये दो तार ले लिए हैं और सिंपली हमने बोल्ट वगैरह नहीं लगाए, हमारे पास चिमटी हैं अच्छी वाली, तो हम इन्हीं से अभी ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, दो चिमटी ले लेना है और दो ऐसे तार लेना है, एक एक तरफ जो है वो चिमटी बांध देना है, एक तरफ तार को छील के इस बोल्ट में बांध देना है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये प्लस है तो इसमें हम प्लस वाला ही बांधेंगे। दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों देखो आप, ये प्लस है, ठीक है, हमने एक तार के टुकड़े की मदद से और दो चिमटी की मदद से
प्लस प्लस को आपस में ज्वाइन कर दिया है, ये प्लस है ये भी प्लस है, इन दोनों को हमने आपस में ज्वाइन करा है। और उसके बाद एक जो माइनस बचा हुआ है उस पर हमने एक चिमटी लगा देनी है, ये आप चिमटी भी लगा सकते हो, अगर आपके पास कार वाली हो तो टर्मिनल भी लगा सकते हो, और ये जो बचा हुआ है ये हमें इसमें लगा देना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसका जब ये बैटरी चार्ज हो जाएगी उसके बाद इन्वर्टर की चार्जिंग इस बैटरी में आने लगेगी, ठीक है। और ये बैटरी जब डाउन होगी उसके बाद इसका करंट इसमें जाने लगेगा, इससे हमारा सेटअप बहुत ज़्यादा मतलब बैकअप बढ़ जाएगा। मैं ऐसा यूज़ कर चुका हूँ अपने घर पर भी पहले, और ऐसे मैं इस प्रकार से बैटरी भी चार्ज कर चुका हूँ कि इन्वर्टर से हम बैटरी ना खोलते हुए भी फिर भी बैटरी कैसे चार्ज कर लें, ये सब मैं कर चुका हूँ फ्रेंड्स। तो मैं अभी आपको कस के फिर दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने दोनों को आपस में प्लस प्लस और माइनस माइनस ज्वाइन कर लिया है। आप इसकी जगह पे कार वाली बैटरी भी लगा सकते हो, उसका भी बैकअप बढ़ जाएगा। इसके बदले आप ट्यूबलर बैटरी भी लगा सकते हो, उसका भी बैकअप बढ़ेगा, मतलब ज्वाइन हो जाएगी, बट आपको प्लस प्लस माइनस माइनस ही लगाना है। आप देख सकते हो इसी बैटरी पे, ये देखो आप इसी बैटरी पे इन्वर्टर चल रहा है, जब ये बैटरी डाउन हो जाएगी, अगर इसकी बैटरी का 4 घंटे बैकअप था तो इससे लगाने के बाद 5 घंटे हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब बढ़ जाएगा, जितना भी आपकी इस बैटरी में दम होगी उतना बैकअप बढ़ जाएगा। तो आप बहुत ही आसानी से ऐसा कर सकते हो, आप घर पर अपने ट्राई करिए, आपके बगैर अगर कोई बैटरी फालतू पड़ी हुई है तो आप उसे आसानी से लगा सकते हो, किसी भी बैटरी में ज्वाइन कर सकते हो प्लस प्लस माइनस माइनस। अगर आपके पास 24 वोल्ट इन्वर्टर नहीं है तो आप ऐसा बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हो फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इसी प्रकार की और वीडियोस मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं, बाय बाय।